कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त काउबॉय। तो आज के वीडियो में हम आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू गेम प्ले सीरीज़ के साथ, जिसमें हम स्टार्टिंग करने वाले हैं फुल गेम प्ले की सीरीज़। तो ये गेम प्ले होने वाला है रैंडम टीममेट के साथ। तो रैंडम टीममेट जो पता है आपको भाई, रिस्की होता है क्योंकि 99% चांसेस होते हैं कि आपको ख़राब बंदे मिलते हैं, बट कुछ चांसेस होते हैं कि जिसमें आपको अच्छे बंदे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए अच्छी बात ये होती है कि हम चारों में से किसी ने भी अपना माइक ऑन नहीं करते हैं, बट एंड तक हमारा गेम सबसे अच्छा होता है और हमारी कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पर नंबर 4 हमें उतारता है और सिंपली वो हमें लेके जाता है नोवो की तरफ। ठीक है, तो मेरे को कन्फर्म था कि नोवो तो हॉट ड्रॉप है, कम से कम 4 से 5 स्क्वाड तो कम से कम जरूर आएगी, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3 स्क्वाड आती है, जो कि एक आगे होती है, एक पीछे होती है और एक आगे होती है। 2 स्क्वाड आगे होती है, 1 स्क्वाड पीछे होती है। तो हमारे सामने भी 2 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली पिस्तौल मिल जाता है मेरे को, तो होता क्या, तो ये बंदा काफ़ी बच जाता है, बट मैं उसको काफ़ी शॉट्स मारता हूँ। और सामने ये ऑफलाइन वाला बंदा होता है, जो उसको मैं पटका दे देता हूँ, बट बाद में जाके ये ऑनलाइन हो जाता है, जिसका बाद में इसका बंदा रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे नॉक वॉक होता है तो मेरे आगे फूड्स आते लगने लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा लूट लेता हूँ, क्योंकि भाई अभी जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। और जैसे मैं लूटता होता तो मेरे को आगे AKM मिल जाती है, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। और जब AKM में तो रस करना ज़रूर बनता ही है मेरे को, तो सिंपली यहाँ पर मैं रस करने के लिए चल जाता हूँ और देखो होता क्या है। तो सिंपली मैं उस जो बंदे को मारता हूँ, नॉक करता हूँ, वो इसी का बंदा रहता है जिसको मैं आगे नॉक करता हूँ, जो कि ऑफलाइन से परेशान रहता है। और ये बंदे को भी नॉक कर रहा था क्योंकि कुटली एसपी मैंने इसको मारी थी, बट नंबर 4 ने इसने काफ़ी मेरा सपोर्ट दिया, तो उसने किल चोरी के लिए, तो वो किल चोरी बनता है यार। ठीक है, तो यहाँ पर वरना ये किल भी मेरे ही था, तो कोई नहीं। तो जैसे ही सब कम्प्लीट हो जाता है तो यहाँ से निकल जाते हैं आगे से, किस समय गन शॉट आती होती है और यहाँ से आगे से भी आते। मेरे को लगता है ये कुछ हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है, बट बॉट की फायर आती है तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है स्कैम हो, तो मैं सोचता हूँ मिनी दे देता हूँ और थोड़ा अलग टाइप का मारने की कोशिश करता हूँ। बॉट ही है, ठीक है, तो बॉट सबको पता है गन काफ़ी अच्छी मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें गन नहीं मिलती, बट एमो मिल जाती है काफ़ी। तो आगे जाता हूँ, धप्पा खा जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को मुश्किल लगा कि यहाँ पर ये होगा, मेरे को लगा था कि वो रेड हाउस पे हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे गया ओपन पे, वरना मैं मेरे को पता था तो नहीं होता। इन्होंने टीपी भी काफ़ी हार्ड लिया और एकदम इन वक्त मेरे को धप्पा दे दिया। और मैं हेल्प की गुजारिश करता हूँ अपने टीममेट से, तो ये दूसरा बार मैं नॉक हो चुका हूँ और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर नंबर 2 मेरे लिए हेल्प करने के लिए आ भी जाता है और मेरे को घर पर बुलाता है, और मैं सिंपली घर पर जाता हूँ और सिंपली मेरे को रैप भी दे देता है। मेडिसिन भी इनको होती नहीं, तो मेडिसिन मारता हूँ मैं इसे। और जैसे हील फिल कर लेता हूँ यहाँ पर जैसे मेरे HP होती है, हील फिल में नहीं करता हूँ इसलिए डायट आ जाता हूँ। तो यहाँ पर 3 लोग के किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ पर मैं नॉक भी हो जाता हूँ, एक बंदे को नॉक करके नॉक हो जाता हूँ। सिंपली गाड़ी लेकर निकल जाते हैं वहाँ से, बट आगे मिलते हैं हमें बॉट। बॉट मार मार के किए, ठीक है, तो मजाक कर रहे हैं यार, सीरियस मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बॉट वॉट मार लेते हैं, बंदे हम मार लेते हैं, तो आगे यहाँ पर रियल बंदा होता है, ठीक है, जो कि एकदम ओपन पे मार रहा है बॉट को। बॉट भाई एकदम मेरे रास्ते पे आ जाता है, तो भाई बॉट से भाई गन वन मिल सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ लूटने के लिए। तो गन वन तो मिलती नहीं है, मेरे को M4 की तलाश थी, फिर स्कारल की, बट कोई नहीं मिली। बट सिंपली यहाँ पर लूट लेते हैं बॉट वगैरह को, और बॉट को मारने के बाद हम आगे चलेंगे गाड़ी से। ठीक है, तो सामने यहाँ पे एक गाड़ी रहती है फ्यूल, तो ये बंदा मैं से गाड़ी ले लेता, तो उसे घूसे मारता हूँ और हमारे टीममेट को, और फिर मिल लेता हूँ। और नंबर 2 भाई तो अलग ही लूट रहा होता है, कितना लूटेगा भाई, आ जा। तो नंबर 2 को भी बुला देता हूँ, सिंपली वो भी आ जाता है। तो सिंपली यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं हम, और यहाँ पर मैं ओनली रस लिख देता हूँ ताकि इनको समझ में आ जाए कि लूटो ना मत, ज़्यादा मत लूटो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली गाड़ी लेकर चल जाता हूँ यहाँ से। बंदे सोचता हूँ कि मिल्टा में होंगे, बट एक्चुअली होते नहीं है मिल्टा के अंदर। ठीक है, तो बहुत बहुत सर्च मारने के बाद भी नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर सिंपली काफ़ी ढूंढ लेता हूँ मैं, बट यहाँ पर गाड़ी
तो है यहाँ ना। पे मैं बहुत टाइम से वो एल को बाद के बाद ये हो जाते हैं सिंपली। यहाँ पर उसको मार मार के लुट के यहाँ आते हैं फार्म की थोड़े वाटर के पास में। तो यहाँ पे एक गाड़ी आती है आगे, यहाँ पे स्क्वाड होती है, तो देखो फाइट होने वाली होती है, दो क्या होता है अब। तो ये भाई साहब अलग ही रहते हैं और हमें लेट की मारने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे मार लेता हूँ, हेड विल करा लेता हूँ, तो आगे मेरे को दिखता है बंदे आते हैं, तो उसको भी टेस्ट करूँ, बट फिर दिमाग में आता है नहीं, तो बंदे को नॉक करता हूँ मैं नॉक करने के बाद नॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब तो टेस्ट बनता है, मेरे को लगता है कि दो ही बंदे होंगे, बट आगे जाकर पता चलता है कि और एक बंदा होता है, तो देखो भी होता क्या है। एनिमीज अहेड। तो यहाँ पे गलती से मुझसे स्कोप ही नहीं होता है क्लोज फाइट के अंदर, जो कि बहुत ही ख़राब बात है एक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि स्कोप ऑन नहीं करना चाहिए होता है। तो जैसे मैं हील भी लगा लेता हूँ इसको, मार लो कि पेटी वेटी लूट रहा होता हूँ, तो यहाँ पर हमारे दो नंबर को फटका पड़ने वाला होता है, ठीक है। अभी नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर बाद पड़ेगा, तो फटका पड़ जाता है ओहम के स्मोक के अंदर उसको, ठीक है। ज़रा नॉक हो जाते हैं और मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ बंदा है किधर, थोड़ी बाद में स्पॉट करता हूँ। और जैसे स्पॉट करता हूँ बस एक ही गोली मार पाता हूँ उसका, और उसके बंदे मेरे को कहीं और से मारते हैं, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूँ कि भाई अच्छे बंदे लग रहे तो या फिर बचने के लिए थोड़ा तो स्मोक करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं स्मोक करके थोड़ा आगे लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जाता हूँ, मेरे को लगता है कि राइट से पुश करना चाहिए, लेफ्ट से मैं कन्फ्यूजन पर रहता हूँ एक्चुअली, और इसलिए मैं ये कन्फ्यूजन के चक्कर में यहाँ पे आकर टिप भी लेने लगता हूँ, जो कि मेरी बहुत गलती होती है। और ये बंदा राइट में आ जाता है और मेरे को टपका देता है, ठीक है। तो यार मैं तीसरा बार नॉक करता हूँ, मेरी हीलिंग प्रोटेक्ट किया, देखो किसी तुम मतलब कितनी जल्दी जा रही होती है, ठीक है। तो नंबर चार को दो को जिसको भी बुलाता हूँ भाई आ जाओ कोई भी, और नंबर थ्री तीन भी जो हमारा रहता है वो भी नॉक हो गया, ठीक है। इससे पहले कि और कोई भी नॉक हो बंदे, तुम आ जाओ मेरे को डेप देने के लिए, तो फटाफट नंबर चार को डेप भी दे देता है, ठीक है। और आगे एक बंदा होता है जो कि कब से मतलब नंबर चार को मारने की कोशिश कर रहा होता है, एकदम लेफ्ट में आता है वो, तो फटाफट यहाँ पर हील लगा देता हूँ मैं, ओके। जैसे ही हील लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, तो फटाफट और ये इंजेक्शन में मार लेता हूँ, और फिर नंबर चार को फटका पड़ता है, देखो कैसे। और फिर ना फटका नहीं पड़ा, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, मार देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो बंदे रहते हैं, तो वो बंदे मिल जाते हैं, तो मारने के बाद लूट लूट करने के बाद वहाँ से उनसे भी, तो मेरे को यहाँ से आगे गाड़ी दिखती है आते हुए, आता है बंदा बगी से, तो उसको भी नॉक कर देते हैं, ठीक है। नॉक वॉक करके वहाँ से निकल जाते हैं हम सिंपली गाड़ी लेके बंदूक की खोजने पे, और मेरे को वहाँ से थोड़े आगे से मेरे को बंदा स्पॉट होता है आगे, ठीक है। और ये बंदे भी मार्क कर देते हैं, तो गाइस तो वो बताओ मुझे कमेंट के अंदर, अगर आपने देखा ये सांप को तो मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तब भी आप करो, और बताना ये जैक्सन स्पॉटेबल था या बंदा या नहीं, क्योंकि मेरे को वह एकदम स्पॉटेबल अंदाज में एकदम मतलब जैसे मैंने स्कोपिंग की और बंदा दिखा मैंने गोली चलाई, ठीक है। मेरे को एकदम मुझे पता नहीं था वो बंदा कहाँ है, थोड़ा सा आगे रहता तो डस लेता ये बंदा, बट कोई नहीं डसा नहीं। तो मेरे को लगता था यहाँ पर और एक बंदा होगा, क्योंकि नॉक हुआ था, नॉक नहीं कहता मैंने इसको, तो मेरे को पता था कि और एक बंदा होगा, तो फटाफट मैं टीममेट को देता हूँ मैसेज करके कि यहाँ पर और एक बंदा मैंने दिखा था, ठीक है, जो कि अभी आता नहीं, पता नहीं कहाँ ये कैम कर रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ से निकल जाते हैं, नंबर दो यहाँ पे आता है, नंबर दो पे फुट्स आते हैं और नंबर दो पे गन से जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपली इस बंदे को नॉक करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, माफ करना। तो यहाँ पे सिंपली जैसे जाता हूँ फिर नंबर दो और आगे चल जाता है, और फिर नॉक हो जाता है बेचारा, ठीक है।
आगे नॉक नहीं हुआ था एक्चुअली, ये नॉक नहीं हुआ था बट इस बार नॉक हो जाता है ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर नॉक हो जाता है तो मैं सिंपली बंदे को खोजता हूँ, तो पटका लगा देता हूँ उसको। तो गाइज यहाँ पर हमारी गेम प्ले खत्म होती है, तो आपको पसंद आई होगी हमारी फुल गेम प्ले वीडियो, इससे भी ज़्यादा हाई क्रेज वाली गेम प्ले मैं लाऊंगा ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग किया है बस मैंने ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे आगे जो बोला वो आप कन्फर्म कर देना ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, होप आपका दिन अच्छा, बाय बाय, थैंक यू। Zirveden selam, durmak yok omi, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan, uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu aga şer.